स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षिकता के मूल सिद्धांत, ये कोर्स मेरा पूरा हो चुका है। और इस कोर्स के अंदर में शुरुआत में लगभग 18,338 रजिस्ट्रेशंस हुए थे, लेकिन इनमें से जिन्होंने एक बार भी अपने साइट पर आया ऐसे लोगों की संख्या 10,195 थी। तो हम वहाँ से शुरुआत मान करके चल सकते हैं। और कोर्स जब आगे बढ़ा और उसके बाद लोगों ने समझा कि ये है क्या चीज़, तो जो संख्या थी वो और कम हुई और अंत में लगभग 2,500 विद्यार्थियों ने इस कोर्स के आखिरी तक वो हमारे साथ में रहे। इन 2,500 विद्यार्थियों ने जो कुछ सीखा उसके आधार पर उन्होंने जो प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों के जो उत्तर दिए आपस में एक दूसरे को, वो इस पूरे कोर्स की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। ये इस कोर्स की सारी सफलता मैं उन विद्यार्थियों को देता हूँ जिन्होंने कि ये पोस्ट लिखे हैं, इन्होंने कमेंट्स किए हैं और डिस्कशन किया है। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस पूरे कोर्स का रहा है तो वो फोरम डिस्कशन का रहा है। कुल मिलाकर के 2,980 फोरम पोस्ट किए गए हैं। अभी दो लेक्चर्स के पोस्ट अभी आने थोड़े से बाकी हैं और कुल जो कमेंट्स लिखे गए हैं वो 8,962 कमेंट लिखे गए हैं। इन दोनों को अगर जोड़ दें तो करीबन 12,000 कुल मिलाकर के इस फोरम के ऊपर लोगों ने अपनी बातें लिखी हैं। उसके अंदर कुछ मेरा भी, मेरे उत्तर भी इसके अंदर में शामिल हैं, आपस में एक दूसरे पे आपने जो उत्तर दिए हैं वो भी इसके अंदर में शामिल हैं। और एक 12-12.5 घंटे के कंटेंट के ऊपर इतना सारा एकेडमिक डिस्कशन होना, ये अपने आप में इस कोर्स का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। और लोगों ने रिलेटिविटी को गहराई से समझने की कोशिश की है, ये बहुत संतोष की बात है। इस पूरे कोर्स के दौरान हमें बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, बहुत क्यूरियस स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे प्रश्न पूछने वाले स्टूडेंट्स ऐसे मिले हैं, ऐसे चिन्हित हमने किए हैं जो बहुत गहराई से चीज़ों को समझना चाहते हैं। हमारे रेगुलर एजुकेशन सिस्टम में चीज़ों को गहराई से समझने के लिए न वक्त होता है और न उसकी ज़रूरत होती है। परीक्षाओं के अंदर में बहुत गहराई से समझना ये आवश्यक नहीं होता है परीक्षाओं में अच्छा करने के लिए। उसके अपनी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, उसके अपने तरीके होते हैं कि आप परीक्षा में कैसे अच्छा करें। लेकिन ये जो हमारा ऑनलाइन कोर्स रहा है उसके अंदर में ये बहुत गहराई से चीज़ों को समझना, इसके लिए पूरा स्कोप रहा है और लोगों ने उसका पूरा भरपूर फ़ायदा भी उठाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे आगे के कोर्स के लिए ट्यूटर्स भी हमें यहाँ से मिले हैं, कई सारे बहुत अच्छे शिक्षक, कई और जो विद्यार्थी हैं जो कि बहुत अच्छी प्रकार से सोच सकते हैं, उन्होंने अपने को ऑफ़र किया है कि वो हमारे आगे के कोर्स में ट्यूटर की भूमिका निभाएंगे। जो फोरम के ऊपर सवाल आएंगे उनके ऊपर वो पढ़ेंगे, उनको कमेंट्स करेंगे, और भी कई सारे जो दायित्व होंगे ट्यूटर्स के वो हम बाद में बताएंगे अपने अनाउंसमेंट्स में। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि रही है कि हमारी टीम जो है वो बड़ी हुई है। और केवल ये ट्यूटर्स के कारण से ही बड़ी नहीं हुई है, ये सारे 2,500 विद्यार्थी जो आप इस कोर्स के अंदर में आप लोगों ने भाग लिया है, ये सब के सब अब हमारी टीम के सदस्य हैं। और हमारे आगे आने वाले कोर्स में, क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स में जो 15 अगस्त से फिर से शुरू होगा हिंदी भाषा के अंदर में, तो उसकी सूचनाएं तमाम शहरों में, तमाम छोटे कस्बों में जो कॉलेजेस हैं वहां तक पहुंचे और वहां के विद्यार्थियों को मालूम पड़े, इसके लिए ये सभी 2,500 जो इस कोर्स के पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक एम्बेसडर्स हैं। और उनसे हमारा आग्रह है, उनसे हमारा अनुरोध है कि इसकी सूचना पहुंचाने के अंदर में अपनी ताकत लगाएं, अपनी शक्ति लगाएं और अपने तमाम संपर्क जो आपके हैं वो आप उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है सारी।
क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है पूरा इस कोर्स के बारे में, आप किसी को जब बताएंगे तो वो बिल्कुल अलग उसका प्रभाव पड़ेगा, बजाय हम कोई पोस्टर बना करके उसका बताएं या हम कोई पर्चा छापें या हम कोई अखबार में लिखें। तो आप सारे लोगों जो हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि आप इस काम में और इस टीम की सहायता करें, क्योंकि ये काम देश के लिए बहुत आवश्यक है, ये देश के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को बहुत सारे क्वालिटी टीचर्स चाहिए, और ये क्वालिटी टीचर्स जो मिलेंगे वो उन्हीं में से मिलेंगे जिन्होंने कि अपने समय में पढ़ाई को एंजॉय किया होगा और गहराई के साथ में उसमें उतरे होंगे। और इसलिए इन कोर्सेज के अंदर में बहुत सारा रजिस्ट्रेशन हो, बहुत सारे लोग इसको करें, ये देश के लिए बहुत ज़रूरी एक टास्क है, और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस काम के अंदर में लगेंगे। इस कोर्स के संचालन में कई बार छोटी 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 दिक्कतें आई हैं, हिकअप्स आए हैं। आपने कभी लिखा कि हमारा वो प्रोफाइल के अंदर में वो लेक्चर्स शो नहीं हो रहा है, हमने इतना देखा इतना ही दिख रहा है, वो क्विज़ के मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कई प्रकार की समस्याएं आपने लिखी है। और जो हमारी टीम है, सॉफ्टवेयर की जो टीम है जो इसको मैनेज कर रही है, उसने बहुत शिद्दत के साथ में इस पूरे कोर्स को मैनेज करने का पूरा प्रयास किया है और किया है। तो जो भी हमारे इस मुकिट टीम के लोग हैं, रेवती हैं हमारे, दीपक हैं हमारे, और वहाँ के अन्य लोग हैं, डॉक्टर टी वी प्रभाकर जो इस पूरे प्रोजेक्ट के हेड हैं वो हैं, इन सब लोगों ने और बहुत अथक परिश्रम किया है। जब कभी भी कोई समस्या आई है तो उन्होंने उसका निदान भी ढूंढा है कि कहाँ गड़बड़ी हुई है, क्यों हुई है, और उसको ठीक भी किया है। हमेशा ये लोग उपलब्ध रहे हैं हर चीज़ के लिए, किस तारीख को कब क्विज अपलोड होनी है, किस तारीख को कब क्या होना है। इन लोगों ने बहुत बार हमें याद दिलाया है कि ये तारीख आ गई है और आपको अब ये करना है, और आप ये करिए, आप वो करिए। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस दिए हैं। तो इस पूरी मुकिट की टीम का भी मैं बहुत आभारी हूँ, और आगे भी इसी मुकिट के टीम के ऊपर हमारे कोर्सेज आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, और फिर अगले कोर्स के अंदर में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।